हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस क्लीनअप। सो आज मैं क्लीनअप करने वाली हूँ और वो प्रोसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे क्लीनअप मैं करती हूँ। और ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सो जो स्टेप वन है वो पहला क्लिनजिंग है। सो आप देख सकते हो मेरे फेस अभी ड्राई है, तो मैं इससे पहले भिंगा लेती हूँ। सो मैं इस तरह से अपने फेस को पहले गीला कर लेती हूँ ताकि इजीली मैं क्लींजिंग कर सकूँ। सो अभी ये गीला हो गया, अभी मैं क्लींजिंग करूँगी। मैं अभी यहाँ पे फेस वॉश ले लेती हूँ, ये क्लींजिंग है मेरा। अभी मैं इसे पूरे अच्छे से क्लीन करूँगी, पहले फेस पे लगा लेती हूँ। अभी मैं जो मेरा सॉफ्ट टॉवल थे मैं वो से स्क्रब करूँगी। सो इस तरह से आपको स्क्रब करनी है। इससे तो बहुत अच्छे फेस क्लीन होते हैं, बहुत ही अच्छे, मुझे ऐसा फील होता है। और अच्छे से टैन भी रिमूव होते हैं। फेस को अच्छे से स्क्रब कर लिया है, अभी मैं इसे वॉश करती हूँ। सो मैं यहाँ पे स्क्रब ले ली हूँ, अब मैं इसे फेस पे लगाती हूँ। क्लिनजिंग के बाद स्क्रब करना। सो पहले मैं इसको फेस पे लगा लेती हूँ और स्क्रब के ऊपर से मैं स्टीम लूँगी, क्योंकि डायरेक्ट मुझे फेस पे स्टीम नहीं डालना है, उससे ड्राई होते हैं इसकी बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं स्टीम लूँगी, तो आप लोग देख सकते हो स्टीम आ रहा है। अभी मैं स्टीम लूँगी ऐसे। अभी स्टीम ले लिया है और मैं अभी इसे स्क्रब करूँगी। स्टीम लेने के बाद इसे आपको अच्छे से स्क्रब करने पड़ेंगे, इसे रब करने पड़ेंगे। फिर लिप को भी आपको स्क्रब करने पड़ेंगे। अब मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। और ये मेरा रियल स्किन है, कोई फिल्टर नहीं है। सो आफ्टर स्क्रब के बाद ये ऐसा है। ऑफकोर्स थोड़ा कैमरे में डिफरेंट दिखते हैं, रियलिटी टू वेस कैमरा थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं, बट यस क्लीन है। पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते हैं अगर जब आप क्लीन अप करते हो तो, ऐसे दिखते हैं बट थोड़ा डिफरेंट होता है कैमरा में, थोड़ा ज़्यादा साफ दिखते हैं कैमरा में और रियलिटी थोड़ा डिफरेंट होता है, लाइक इवन से 20% 10% थोड़ा डिफरेंट होता है। सो अभी मैंने स्क्रब कर लिया है और मैं सोच रही हूँ व्हाइट हेड्स रिमूव करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है, बट फिर भी मैं करूँगी। सो आप देख सकते हो फिर मेरे है नहीं ज़्यादा। थोड़ा है
को थोड़ा ज़्यादा नहीं। सो अभी ये हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी, उसके बाद मैं डायरेक्ट फेस मास्क लगाऊँ। मैंने यहाँ पे ये मसाज क्रीम ले लिया है। क्लीन अप जब आप करते हो तो वो क्लीन अप होते हैं, वो फेशियल नहीं होते। बहुत किसी को इसमें कन्फ्यूज़न है कि क्लीन अप फेशियल होते हैं। क्लीन अप ये होते हैं कि आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देने, 5 मिनट्स करके 30 मिनट्स में आपको फिनिश करने होते हैं। डीप क्लिनजिंग जो होते हैं वो फेशियल होते हैं। सो मैं क्लीन अप कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं 5 मिनट जस्ट थोड़ा मसाज कर लूँगी। मैं आप लोग के साथ फुल फेस मसाज कर रही हूँ, वीडियो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है फेस मसाज बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग लिया था तो मैं वहाँ से सीखी थी। एंड मुझे बहुत ही अच्छा फेस मसाज करने आता है। ये मेरा कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। सो मैं वो भी आप लोग के साथ एक दिन शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी मैं फुल मसाज, फेस मसाज का। ये लिफ्टिंग करना जरूरी होता है ताकि आपकी स्किन लूज ना हो। सो ये मेरा फेस मसाज हो गया है, अभी मैं इसे थोड़ा क्लीन कर लूँगी, हल्का क्लीन करना, ज़्यादा नहीं, और इसके ऊपर ही डायरेक्ट फेस मास्क लगाना है। सो मैं यहाँ पे भी फेस मास्क लगा ले रही हूँ, और ये फेस मास्क को मैं 20-25 मिनट्स रखूँगी, इसके बाद रिंस करूँगी। सो ये था मेरा क्लीन अप का वीडियो। ऐसे भी अगर आप मंथली 2 बार कर लोगे ना डिनर में, आपके फेस बहुत ही क्लीन होंगे, बहुत ही क्लीन। देख सकते हो यही था मेरा आज का वीडियो। सो मैं यहाँ फेस मास्क लगा लिया है, अब मैं इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दूँ। ये था आज का मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं इस वीडियो पे थोड़ा मेहनत कर रही हूँ। मैं बहुत सारा वीडियोस बनाई भी हूँ, बट उस पर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो कि मैं आगे बढ़ूँ और भी मोटिवेशन मुझे मिले वीडियो बनाने के लिए। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच।